हेलो दोस्तों, आश्रम सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज होने जा रहा है। इस सीरीज के पहले दो सीजन आ चुके हैं। इससे दो सीजन आए थे, वो सीजन मैंने देखे तो मुझे लगा कि ये वेब सीरीज बहुत ही बढ़िया होने वाली है, और ऐसा ही हुआ। जब सीजन मैंने वन देखा और मुझे लगा कि ये सीजन टू देखने लायक है। इस वेब सीरीज का टाइटल रखा है एक बदनाम आश्रम। जी हाँ, इस सीजन टू देखा, पर सीजन टू के बाद इतनी देर बाद आश्रम थ्री रिलीज हुआ, यानी 2020 को आश्रम टू रिलीज हुआ था। ये वेब सीरीज 3 जून को रिलीज होगी, यानी इसी साल। इसमें ईशा गुप्ता भी नजर आएंगी, जिन्होंने बोल्ड सीन भी किए हैं। और हाँ, ये वेब सीरीज फैमिली के बीच में देखने लायक नहीं है, पर वेब सीरीज बहुत बढ़िया है। बॉबी देओल सर का काम बहुत बढ़िया लगा इसमें। अभी तीसरा सीजन इसका आ रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये भी अच्छा ही होगा। मुझे एक बात से हंसी आती है कि गरीबों वाला बाबा, यार ये कौन सा गरीबों वाला बाबा है यार, क्योंकि ये तो खुद दूसरों को लूट रहा है। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि गरीबों वाला बाबा वेब सीरीज का ये एंड पार्ट होगा, सीजन थ्री यानी एंड हो सकता है इसमें। खाखी और खद्दर के अलावा सभी इसकी सपोर्ट करते हैं, यानी सभी जो अंधभक्त लोग हैं। मेरे ख्याल से ये वेब सीरीज किसी तो समझ गया कि किसके ऊपर बनी है। अगर आप समझ गए हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस वेब सीरीज में पहले लिखा आता है कि ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से ये एक रियल स्टोरी है। मैं तो समझ गया, आप भी समझ गए होंगे। ये सबसे बेस्ट सीरीज लगी मुझे बॉबी देओल सर की। 2019 और 20 की स्टोरी है, जो सीरीज इसकी आ चुकी है वो मुझे बेस्ट सीरीज लगी इसकी। और मुझे लगता है जो सीजन 3 आ रही है ये भी अपना बेस्ट देगी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है रुगेश दास, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो आने वाले वीडियो मेरे मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।